आज आगरा में दैनिक जागरण के हमारे पत्रकार भाई पंकज कुलश्रेष्ठ की जो मौत हुई है उस पर मैं गहरा दुख प्रकट करती हूँ। उस परिवार के साथ खड़ी हूँ इस दुख की घड़ी में, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनकी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को हिम्मत दे, सांत्वना बनाए। मैं कहना चाहती हूँ कि इस वैश्विक महामारी के चलते हुए पत्रकार भाई की जो मौत हुई है वो मौत नहीं, एक हत्या का रूप है, क्योंकि बार बार शासन और प्रशासन को कहने के बावजूद भी हॉस्पिटलों में कोई भी व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं मरीजों के लिए। आए दिन वीडियोज ऐसे ही आ रहे थे, लेकिन उस वीडियोज में आज हमारे जो पत्रकार भाई की मौत हुई है, इस मौत को हमारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही संवेदन के रूप में लिया है और हमारी दीदी प्रियंका दीदी ने भी उस परिवार के लिए पत्र देकर सांत्वना बंधाई है। इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैंने इस संबंध में पहले भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, कहा था कि हमारे मीडिया कर्मी जिस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं समस्याओं का, तो मैंने कहा कि इस समय उनको 10,000 रुपये की सहायता देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज इस मौत पर मैं मांग करती हूं सरकार से कि इस परिवार को 50,00,000 रुपये की मदद दी जाए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में रखा जाए। जय हिंद, जय भारत। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।